सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हर किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा शो समझ तो गया होगा में। जी हाँ, मैं हूँ आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ हैं फहीम खान। नाज़रीन, आज के शो की शुरुआत एक शेर से, बल्कि शेर क्या, एक छोटी सी नन्नी मुन्नी सी मासूमाना गज़ल से करना चाहूँगा। अर्ज किया है, टिंडे टिंडे गंजे मंजे पर भी टैक्स लगेगा, जेब में रखे कंगे पर भी टैक्स लगेगा, घर में बर्तन धोने होंगे मर्दों को, घर में बर्तन धोने होंगे मर्दों को, शोर शराबा दंगे पर भी टैक्स लगेगा, मुफ्त में झपियां लेता था जो शम्मा की, बेटू जरा गौर फरमाइए, मुफ्त में झपियां लेता था जो शम्मा की, कंगले उस पतंगे पर भी टैक्स लगेगा। मिट्टू तुम कौन सी शमा समझे थे? बहरहाल नाजरीन, आपको ये बताया चलें कि इस वक्त मुल्क में हर चीज पर टैक्स लगा दिया गया है, सिर्फ टैक्स पर टैक्स लगना बाकी है। हो सकता है कि आइंदा वक्तों में टैक्स देने वाले लोगों पर भी ये कहकर टैक्स लगाया जाए कि सर जो आप टैक्स दे रहे हैं उस पर भी तो टैक्स लगेगा। अब ये सारे माहौल में शेख रशीद साहब ने एक बड़ा ही जबरदस्त बयान दे दिया। उनका कहना है कि एक साल बाद कौम तब्दीली देखेगी। सर, कौम ने जो तब्दीली देखनी थी वो तो 9 महीने बाद भी आ सकती थी, लेकिन अब आप एक साल की बात कर रहे हैं तो चले खैर है, एक साल बाद कौम तब्दीली देख लेगी। लेकिन आपका ये बयान उस बयान से दूर नहीं जब एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि जानू मुझे लेने कब आ रहे हो, मैं तुम्हारी जुदाई में आधी हो गई हूँ, अभी तो सिर्फ 15 ही दिन हुए। जिस पर शौहर जवाब कर देता है कि मैं तुम्हें 15 दिन बाद लेने आऊँगा ताकि जो बची हुई आधी हो वो भी ख़त्म हो जाए। तो सर, एक साल बाद की तब्दीली कुछ हजम नहीं हुई तो आज मिला। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, जब बेगमात मैके जाती हैं तो शौहर एक अजीब सी कैफियत में आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो कभी शादीशुदा थे ही नहीं, कुंवारे थे, और एक अजीब से मनचले बन जाते हैं। ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने मुझे ऑफिस में, जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उसका होठ जला हुआ था। मैंने उससे पूछा, यार कि तुम्हारा होठ कैसे जला? कहता, यार तुम्हारी भाभी को स्टेशन छोड़ने के लिए गया था तो जल गया। मैंने कहा, तो क्या सिगरेट लगा ली थी? उल्टी सिगरेट जला ली। कैसे होठ कैसे जल गया आप भाभी को अगर स्टेशन छोड़ने गए तो? कहता, बस यार जैसे ही इंजन ने सीटी बजाई मैंने खुशी के मारे इंजन को चूम लिया। तो यार इतनी खुशी तो आज तक मुझे कभी नसीब ही नहीं हुई। बेटी तेरी भाभी जाती थी ना मेरे। नाजरीन, कहा जाता है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गैर सियासी नहीं बल्कि बड़े ही शदीद किस्म के सियासतदान फ्यूचर में हो सकते हैं। अब ऐसे ही एक बच्चा अपने क्लास टीचर को सबक सुना रहा था, उर्दू की क्लास चल रही थी तो वो उर्दू का कायदा पढ़ रहा था, अलिफ बे पे ते टे से, चलता गया। ध्यान से उस्ताद जी सुन रहे थे और सुनते सुनते उसने जब आगे बढ़ा, कहा फे काफ काफ गाफ लाम वाओ, तो वो उस्ताद जी ने रुक कर पूछा, भाई ये बताओ एक मिनट, बीच में से तुमने नून गायब कर दिया, ये नून कहाँ गया? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, सर वो तो जेल में है ना नून। और नाजरीन, सियासी हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत जल्द नून लीग अपना नाम बदलकर जेल लीग रखने वाली है। जीम लीग हो सकता है वो, बाय द वे जीम लीग हो सकती है। नाजरीन, पढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है इंसान के लिए, और पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, आपको बेसिक स्टडीज़ ज़रूर करनी चाहिए जो कि मैट्रिक तक है। अब यही आपको बताएं कि इस बार मैट्रिक में बड़े कोई चौके छक्के लगे हैं। सुना है 1100 में से 1090 लेने वाले, नंबर लेने वाले भी जो हैं वो स्टूडेंट सामने आए हैं। जबकि हमारे ज़माने में तो दोस्त हमसे पूछते थे, भाई आपने कितनी पढ़ाई की है, तो हम तो कहते थे कि MBBF। दोस्त परेशान करते हैं, यार MBBS तो सुना था, ये MBBF क्या होता है? बताया जी मैट्रिक में बार बार फेल, अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, भाई जब हमारे दोस्त ग्रेजुएशन कर रहे थे तब भी हम मैट्रिक में बैठे हुए थे, लेकिन बच्ची हमने कॉलेज की सेट की थी, ऐसी बात नहीं। हाँ, ये हमने बिल्कुल, ये एक एहतराम रखा है। अच्छा, ऐसी सिचुएशंस के ऊपर विलन का किरदार अदा करने के लिए आपके हेडमास्टर और आपके वालिद साहब हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अब इसी सिचुएशन में हमारे उस्ताद जी ने जो है वो वालिद साहब को बुला लिया और कहा, आपका बेटे को पढ़ने लिखने का तो कोई शौक ही नहीं है, हर बार फेल होता रहता है। इस पर वालिद साहब ने, अब वालिद भी हमारे भाई हल्के तो आएंगे नहीं,
हमारे वाले साहब ने फौरन कह दिया, भाई आप बिल्कुल गलत कह रहे, अगर मेरे बच्चे को पढ़ने लिखने का शौक ना होता तो हर जमात में तीन तीन बार क्यों पढ़ता। अभी तो और नाजरीन बात कर लेते हैं आलमी अदालत के उस फैसले की जो कि तारीखी वैल्यू रखता है। जी हाँ, ये कुलभूषण यादव का फैसला है जो कि इंडिया और पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया, लेकिन आलमी अदालत ने इस बार जो फैसला दिया है वो कुछ इस तरह का है कि जी गल चौधरी साहब की तो ठीक है, पर मैं लगता है जी मलिक साहब की गल भी कोई गलत नहीं। अब इस तरह का फैसला है आलमी अदालत से कि दोनों साइड पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, पर एक फ़र्क है, फर्क बल्कि नहीं है बल्कि एक सिमिलैरिटी है जो कि नून लीग और भारतीयों के बारे में है। ये दोनों आधा फैसला पढ़ के ही खुशियां और मिठाइयां बांटना शुरू हो जाते हैं। तो भाई पूरा फैसला तो आने दिया करो, पूरी वर्डिक्ट तो आने दिया करो, उसके बाद समझ तो गया होगा। नाज़रीन चेयरमैन FBR का बयान हालिया दिनों में नजर से गुजरा, वो कहते हैं कि तवक्को के मुताबिक टैक्स की वसूली नहीं हो रही वरना मुल्क की खजाना भर जाता। इस पर मुझे एक किस्सा याद आ गया, एक नौकर को मालिक साहब के बैग से बहुत सारे 5,000 के नोट मिलते हैं, वो उन पर कब्जा करता है और मालिक को जाके कहता है मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी ऐसी नौकरी पर जिसमें 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती और उसके बाद मुझसे रोज सुबह शाम दोपहर रात काम करवाया जाता है, मैं थक गया हूं इस जलालत की नौकरी से। तो बात कुछ जानी पहचानी से लग रही है मेरा, हाँ तो मैं थक गया हूं इस जलालत की नौकरी से, और वो इस नौकरी को लात मार के जा रहा होता है जिस पर मालिक कहते हैं रुक जा, ठहर जा, थम जा। वो 5,000 वाले नोट नकली हैं जानी। मैं भी अपने बॉस से यही कहकर ये सारी गालियां देकर आ गया था, बाद में मेरे बॉस ने मुझे बताया नोट नकली है, यू आर फायर्ड। इसका कुछ ज्यादा पहचाना नहीं थी। नाज़रीन इतनी महंगाई के बावजूद भी लोग आस लगाए बैठे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ज़रूर आएंगे और इंशाल्लाह आएंगे, और नौकरियां मिलेंगी और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और तालीम मुफ्त मिलेगी और इलाज मुफ्त मिलेगा, और इसके अलावा बाहर से लोग आएंगे यहाँ पर आके नौकरियाँ करेंगे, और इसके अलावा यहाँ से तेल निकलेगा, और इसके अलावा यहाँ से गैस निकलेगी। लेकिन गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही, अलबत्ता गरीब का करीब करीब खात्मा मुमकिन नज़र आ रहा है। इसी पर मुझे एक बात याद आई कि एक फिल्म बन रही थी हॉलीवुड में वर्ल्ड वॉर 2 पे, और उसमें बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग जो है वो काम कर रहे थे, जिस पर एक दिन प्रोड्यूसर ने तंग आकर डायरेक्टर से पूछा भाई इतने सारे लोगों को मुआवजा कहाँ से दे रहे हो, मुआवजा कहाँ से दे रहे हो बताओ। जिस पर डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर से कहा कि सर मुआवजे की क्या ज़रूरत है, आखिरी सीन में एक असली बम चला देंगे। नाजरीन अमेरिका में चांद पर पहला कदम रखने की 50वीं बरसी मनाई जा रही है, जबकि पाकिस्तान में बैतुल खिला की नई पॉलिसी मुतारफ करवा दी गई है। जी हाँ, बायोमेट्रिक के जरिए आप बैतुल खिला का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। यह अनोखी पॉलिसी दारुलकूमत इस्लामाबाद में वजारत सनत और पैदावार में के वॉशरूम में जो है मुतारफ करवाई गई है। इससे सिर्फ वज़रा और आला अफसरान ही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जबकि दीगर अफसरान और क्लर्क वगैरह के लिए फिलहाल आम वॉशरूम ही मददगार रहेगा। और लोटों की पॉलिसी पर यही बात है कि लोटा अपने साथ ले जाना ना भूलें, फिलहाल सेनेट में भी लोटों की काफ़ी ज़रूरत है। और नाज़रीन महंगाई में होशरुमा इजाफे के बाद अवाम परेशान है। अवाम ने इस महंगाई का तोड़ और हल कुछ इस तरह से निकाला है, जैसे पहली एग्जांपल आपको दे चलूं कि बीवी शौहर से कहती है बस भी करो, ये टी बैग 18 बार इस्तेमाल कर चुके हो, अब तो फेंक दो। जिस पर शौहर कहता है कर दी ना जाहिलों वाली बात, भाई इस टी बैग की एक्सपायरी डेट 2020 लिखी हुई है, अभी से फेंक दो, कमाल कर दो। पटवारियों वाली बात कर दी तुमने, पटवारियों वाली है ये यूथ्स वाली बात तो नहीं की है। बहरहाल मिसाल नंबर 2 आपको दें कि चाय पीने की गर्ज से एक शख्स होटल में जाता है तो वेटर उससे पूछता है सर कौन सी चाय लाऊं, VIP चाय 30 रुपए की है और सादी माफ कीजिएगा स्पेशल चाय 50 रुपए की है और रिजर्व चाय 25 रुपए की है। जिस पर जो ग्राहक है वो बड़ा परेशान होकर पूछता है, कहता है यार वो सब तो ठीक है, ये रिजर्व चाय क्या होता है। तो होटल के बैरे ने बताया भाई रिजर्व चाय वो है जो कप्स में ग्राहक छोड़ जाते हैं और हम उसे आप जैसे गरीबों के लिए बचा लेते हैं। तो आप रिजर्व चाय पीना पसंद करें। ये पॉलिसी यकीनन वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की जानी चाहिए होगी, क्योंकि इस किस्म की बेहतरीन बातें वही करते हैं। रिजर्व और नाजरीन जिस तरह से उम्रों के साथ अय्यार जुड़ा है उसी तरह हुकूमत के साथ वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब जुड़े हुए हैं और उनके बिना कोई बात मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि दुनिया चाहे
कुछ भी कह ले, पर अम्मी ने तो यही कहा है ना कि ऐसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। सर आपके लिए कहा नहीं, अच्छा आओ मेरे लिए, ठीक गॉट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब के मुताबिक जदीद जमाने के शौहर में तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ ये जिम्मेदारी होना भी जरूरी है कि घर के तमाम आईपैड्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पर चार्ज हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की रिसर्च के मुताबिक फेसबुक पर वो लड़कियां भी अपनी उम्र 20 और 22 साल बताती हैं जिनके 5-5 शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं और अब नया बनवाने के लिए जाएं तो नादरा वाला बंदा भी कहता है बाजी अभी तक जिंदा हूं। हाँ और वजीर साइंस की नई रिसर्च के मुताबिक खवातीन सिर्फ एक ही राज को राज रख सकती हैं क्योंकि खवातीन के बारे में कहा जाता है कि राज इनके पेट में नहीं रह पाता लेकिन एक राज ऐसा है जो कभी भी ये नहीं उगलती। जी हां नाज़रीन, वो है इनकी उम्र का राज, कभी नहीं बताएंगी और जब भी बताएंगी 16 प्लस हिंट दे देती है कितना प्लस खुद कर लो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन अभी टिकटॉक के सदमे से हमारी कौम बाहर निकली नहीं थी कि फेस ऐप ने आन घेरा। जी हां नाज़रीन, ये साजिश है रशियन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिन्होंने फेस ऐप हम पे छोड़ दिया है और अब हर कौम का जवान वक्त से पहले बूढ़ा नजर आने लगा है। जी हाँ, ये फेस ऐप के ही असरात हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इस पर शायर कहता है जवां इस नस्ल को किस धुन में लगा रखा है, नहीं इस खेल में कुछ भी तो भला रखा है, ये जवानी अपनी कैसे कार आमद ये बनाए, इन्हें फेस ऐप ने बूढ़ा जो बना रखा है। बहरहाल फेस ऐप किसी को भी बूढ़ा कर दे लेकिन ये बंदी बूढ़ी है। फेस ऐप ने सरेंडर कर दिया है भाई, वो कहता है तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, मतलब वैसे नहीं लेकिन उसने कहा ये जरूर है, ये बंदी कभी बूढ़ी नहीं। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि कायम अली शाह साहब ने सबसे पहले फेस ऐप को डिस्कवर किया और वो 50 साल से, बल्कि मैं तो कहूंगा 1650 साल से इस ऐप को यूज कर रहे हैं। जी हां नाज़रीन, कायम अली शाह साहब का कहना ये है कि मैं फेस ऐप यूज करके बूढ़ा नजर आ रहा हूं जबकि मेरी असल उम्र 28 साल है। सर ये बयान आपने कहीं वो पत्तों वाली कोल्ड ड्रिंक पी के तो नहीं दिया था? मैंथॉल फ्लेवर का। समझ तो गया होगा। वजीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की नई रिसर्च सामने आई है जो कि ब्यूटिशियंस से ताल्लुक रखती है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने ये डर्मेटोलॉजिस्ट होने की एक कोशिश की है और स्किन के जो मसाइल हैं उन्हें एड्रेस किया है जनाब फवाद चौधरी साहब ने। उनका कहना यह है कि करप्शन भी नाक के बालों की तरह होती है, जो दूसरों के तो नजर आ जाते हैं लेकिन अपने नहीं। क्लिनिक वाइटनिंग वाले टीके भी लगा। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन पीटीआई के मैडी भाई जैसे हजरात का नया मौकफ यह आ गया है कि अब पाकिस्तान में बारिशें तो इमरान खान साहब की वजह से हो रही हैं क्योंकि वो इतने नेक हैं लेकिन कीचड़ नवाज शरीफ साहब की वजह से हो रहा है। कुछ भी नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी बेगमात का मिजाज भी काफ़ी निराला होता है और यकसा भी होता है, दोनों एक ही तरह से सोचते हैं। पाकिस्तानी सियासतदान वोटर्स का खून चूसते हैं और पाकिस्तानी बेगमात शौहर हजरात का। दिया एक शख्स 10 साल बाद अमेरिका से पाकिस्तान आ रहा था अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए, 2 साल के अपने बच्चे से मिलने के लिए आ रहा था और 10 साल बाद पहली बार पाकिस्तान आया था ये शख्स। इसने सोचा कि एयरपोर्ट जाके डायरेक्ट सरप्राइज देता हूँ और खुद बेचारा शॉक हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद जब इसने अपनी बेगम को कॉल किया और कहा मैं आधे घंटे में घर आ रहा हूं तो बेगम ने सामने से कहा अच्छा ठीक है, आते हुए दही और हरी मिर्चें लेते आइए। ये सुन के बेचारा आप क्या। और बच्चा 2 साल का इसलिए क्योंकि भाभी अमरीका गई थी मिलने के लिए। नाज़रीन इमरान खान साहब का अमेरिका का दौरा जैसे ही सुनने में आया तो आलम अरवा से क्रिस्टोफर कोलंबस के रू की जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू की आवाजें सुनाई दी।
जी हाँ, वो यही वेट करते हुए पाए गए। और आपको बता दें, क्रिस्टोफर कोलंबस वो हैं जिन्होंने अमेरिका को दुनिया के नक्शे पर दरियाफ्त किया था। अब बेचारा परेशानी हुए कि अमेरिका की सरहद कहीं ये किसी ऐसे मुल्क से ना मिला दें जिसकी कोई कॉपी नहीं। वैसे कहाँ से मिलाएंगे? मेरे ख्याल में अमेरिकन बॉर्डर को खान साहब को मिलाना चाहिए इस बार चीको सलाम। हाँ, रशिया और अमेरिका को एक करने की कोशिश करें। चेक रिपब्लिक, और अमेरिका के दौरे से कबल शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिनकी तकरीरें सुनकर अमरीकियों को पता चला कि कैसे वो सुपर पावर बने और उनकी तरक्की का राज क्या है। यह सब उस वक्त अमरीकियों को पता चला जबकि खान साहब डी चौक पे कंटेनर पे मौजूद थे और रोज 5-5 घंटे की तकारीर किया करते थे उनके ऑनर में। क्योंकि जितनी बातें आपने वेस्ट बिलखसूस अमरीका और इंग्लिस्तान की तरक्की के बारे में की है, मुमकिन है कि यह बात उन्हें खुद पता ही ना हो, ये बात आपने उन तक पहुंचाई है। समझ तो गया होगा। नादरीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों अकारिब को जो है वो नीचा दिखाने के लिए लंबी लंबी फेंकने की आदत होती है। यही एक वाकया एक बाप बेटे का है। बाप के कुछ रिश्तेदार आ रहे थे तो बेटे को उसने इंस्ट्रक्शंस दी कि बेटा जब ये रिलेटिव्स आए ना तो इनके सामने लंबी लंबी छोड़नी है ताकि लगे कि हम बहुत अमीर हैं और हमारा बड़ा बिजनेस है। बेटे ना फिक्र ही ना करें जी, टेंशन ही ना लें। जैसे ही मेहमान आके बैठे, बेटे ने आवाज़ लगाई, अब उधर चाबी दीजिएगा, मैं हेलीकॉप्टर गैरेज में पार्क करके आ जाऊँगा। इससे ये बात तो साबित हो गई कि बेटा पीटीआई का। पर दूसरी बात जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो शेख रशीद साहब का बयान। उन्होंने कहा है कि इमरान ट्रंप मुलाकात से ट्रंप के अगले इंतखाबात का फैसला होगा। तब मेरे ख्याल में चाबी लें और हेलीकॉप्टर ही पार्क कर दें आप, वो वाला ज्यादा इजी था। प्लीज यह चाबी दो जाए, प्लीज आप हेलीकॉप्टर पार्क करें। समझ तो गया होगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की नई रिसर्च के मुताबिक उनका कहना है कि पहले लोग घर से निकलते वक्त आईना देखकर बाल बनाकर बन सवर कर निकला करते थे, लेकिन अब मोबाइल की बैटरी देखकर निकलते हैं। कितने परसेंट? ओहो, चलो ठीक है। वजीरे साइंस ने मजीद ये बताया है कि पहले प्याज काटते वक्त आंसू आते थे, अब प्याज खरीदते वक्त आते। प्याज भी इतनी महंगी। समझ तो गया होगा। वजीरे साइंस की नई रिसर्च के मुताबिक खवातीन किसी भी शोबे में मर्दों से पीछे नहीं हैं। लड़कियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बस रास्ते में गोलगप्पे की रेड़ी ना आ जाए, वरना फिर 1-1.5 घंटा तो गया। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत पर जब भी तनकीद की जाए वो यही कहते हैं कि आपने 5-5 साल दीगर उजरा को बर्दाश्त किया, थोड़ा वक्त हमें भी दे दें। दर हकीकत उनका कहने का मकसद ये होता है कि थोड़ा वक्त हमें भी दे दें ताकि हम भी उनके जैसे हो जाएं, करप्ट छरप्ट, तो उसके बाद कहानी आगे बढ़ा लेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको देता चलूँ कि एक सास बहू से बोली, अल्लाह ने तुम्हें 2-2 आँखें दी हैं, ये दाल में और चावल में से 2-2 4-4 कंकर नहीं निकाल सकती हो इसके बावजूद भी। जिस पर बहू ने सास को लाजवाब कर दिया ये कह के कि अल्लाह ने आपको 32 दांत दिए हैं, ये 2-4 कंकर आप चबा नहीं सकते। यानी हमें इन सियासतदानों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहीं ये भी वो लोहे के चने तो नहीं है जिन्हें चबाना मुश्किल है? वो साद रफीक साहब जो कहते थे, जो आजकल जेल में, कौन सी जेल में, कोट लगता था? अच्छा हाँ, कोट लगता था, उनको शिफ्ट कराओ यार। और नाजरीन, ये बात अब साबित हो चुकी है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को किस केस में गिरफ्तार किया गया है। आप यही समझ रहे होंगे कि केस एलएनजी का है, नहीं, जबकि नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया है टीवी के 1 से ज्यादा रिमोट्स रखने पर। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यह तस्वीर भी देख सकते हैं। और यही इल्जाम इन पर लगाया गया है कि इतने सारे रिमोट्स इनके पास अगर आए हैं तो यकीनन इनके पास टीवी भी इतने ज्यादा होंगे, और अगर नहीं है तो एक टीवी पर इतने सारे रिमोट से ज्यादती करने का इल्जाम इन पर आयद किया जाएगा और केस चलाया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि मैं वकील भी नहीं करूंगा और अपना केस खुद लड़ूंगा। वड्डा तू जॉली एलएलबी। समझ तो गया होगा। नाजरीन, सब जेल चले गए हैं, अब तो ये लगता है कि नून लीग के वुजरा और लीडरान को रिहा कराने के लिए किसी और जमात को ही तहरीक चलानी पड़ेगी। जिस पर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब का मौकफ सामने आया और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम इनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे और रिहा होने के बाद इन्हें जमात इस्लामी में शमूलियत भी देंगे। सर आप रहने दें, आप टेंशन ना लें, ये वाले मामले को आप रहने दें, आप बाकी वो के इलेक्ट्रिक, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें आप निपटाएं। थोड़ा छोटे लेवल का मामला है, आप रहने दें, आप बड़े लेवल की चीज़ें करें। समझ तो गया
और नाजरीन किसी सियाने ने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग के फारूक सत्तार हैं। गिरफ्तारियों की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब अकेले ही रह जाएंगे और बाकी सब अंदर चले जाएंगे। बकौल गणेश गाय तो अंडे, सब अंदर चले जाएंगे, सिर्फ शहबाज बचेगा। वो त्रिवेदी के लिए कहा था यार, क्या हो गया मतलब। वजीर साइंस के मुताबिक मोबाइल फोन में इंग्लिश और उर्दू दोनों कीबोर्ड इस्तेमाल करना भी दो बीवियों के संभालने के बराबर है। टेंशन है बॉय, टेंशन है। फिर एक मखलूक ऐसी भी है जो व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ उर्दू में ही मैसेज करती है। क्यों रोमन में लिखना यार, उर्दू में क्या मतलब, मसला क्या है भाई? हम नहीं लिख पाते, हमें नहीं आता वो कीबोर्ड यूज करना, तो क्या बताना चाह रहे हो? तुम्हें ज्यादा आता है? वैसे ये कौन से लोग हैं जिनसे दो बीवियां संभल जाती हैं? हमसे तो एक नहीं संभाली जाती भाई। एक दिन बेगम ने मेरी नई सिम ले ली और सोचा कि मुझे सरप्राइज देंगी, तो वो किचन में गई नई सिम लगा के और मुझे कॉल कर दी। बोलने की हेलो जानू, मैंने कहा बाद में कॉल करना, अभी चुड़ैल किचन में। बस उसके बाद चिरागों में रोशनी। दो दिन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में और एक हफ्ता उनके जनरल वार्ड में पड़ा रहा हूं। दर्द होता है भाई, चलो ठीक है, मर्द को दर्द नहीं होता, तकलीफ तो होती है। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन वज़ीरे साइंस की रिसर्च के मुताबिक लड़कियां बेवफा नहीं होती, बस इजी लोड टाइम पर मिलता रहे। समझो बात की गहराई को, समझो क्या कहा है जनाब वज़ीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी साहब, समझो। इसी पर एक बात याद आ गई नाज़रीन के, एक लड़का जिम गया और इंस्ट्रक्टर को मुखातिब करके कहने लगा कि यार मुझे कोई ऐसी मशीन बताएं जिसे इस्तेमाल करके मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर सकूं। इंस्ट्रक्टर ने कहा बॉय एटीएम यूज करो, एटीएम से। समझ तो गया होगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक वो शख्स जो पीटीआई में शामिल हो जाता है वो करप्ट नहीं हो सकता या करप्ट नहीं रहता। खैर बहरहाल हम पीटीआई और वजीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब और पीपल्स पार्टी की। जी हाँ, पीपल्स पार्टी के लोग राणा सनाउल्लाह साहब की हिमायत में ऐसे सामने आए हैं जैसे कि वो राणा सनाउल्लाह नहीं हाजी सनाउल्लाह हैं। राणा नार्कोस और मेरा मतलब राणा सनाउल्लाह। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की रिसर्च के मुताबिक अगर हॉरर मूवी के स्टार्ट में बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी लिख दिया जाए तो और ज्यादा डर लगता है। मिट्टू मैंने डर कह दिया लेकिन लव वही इस्तेमाल करना था जो तू सोच रहा है। समझ तो गया होगा। और वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात में से हमें बस यही वाला याद रहता है कि सिंध को बंबई से अलग किया जाए, सिंध धरती को बंबई से अलग किया जाए, बाकी 13 और भी। सीरियस समझ तो गया होगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की रिसर्च के मुताबिक अगर सियासतदानों के झूठ बोलने पर भी टैक्स लगा दिया जाए तो 2020 तक पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होगा। या नाजरीन इसी तेजी के साथ हमारे सियासतदान अगर झूठ बोलते रहे और उन पर टैक्स लग गया तो इंशाल्लाह ताला हम तमाम कर्जे को उतारने के बाद दुनिया में अपना नाम मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। समझ तो गया होगा। और नाजरीन खवातीन के लिए वजीर साइंस का नादिर मशवरा, उनका कहना है कि अगर कोई हाथ धोकर के आपके पीछे पड़ा हुआ है तो आप भी मुंह धोकर मेकअप उतार कर उसे जान छुड़वा लें। बात तो सच है मगर बात। खैर नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। विदारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब हमें पता चला है कि ब्यूटी पार्लर पर टैक्स क्यों आयद किया गया है। जी हां नाज़रीन, ये शख्स हमारे सामने आया है, इस शख्स का नाम है अब्दुल कयूम। कयूम भाई का कहना है कि एक दिन ब्यूटी पार्लर के वेटिंग रूम में ये बैठे हुए थे, बेगम गई हुई थी अंदर मेकअप करवाने के लिए, इतने में मैगजीन पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर में इनके कंधे पर हाथ आया और एक खूबसूरत सी बंदी आकर इनसे कहती है चले।
जिस पर ये घबरा गए, पसीना पसीना हो गए, हड़बड़ा उठे और कहने लगे, मोहतरमा मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बेगम के साथ आया हूँ। अब वो खूबसूरत औरत बोली, मैं आपकी बेगम हूँ, चलें। इस पर शायर कहता है ख्वाहिश मेकअप से, है ख्वाहिश मेकअप से मिसाले हूर हो जाना, मगर मुमकिन कहाँ किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। वाकई मुमकिन तो नादरीन, शौहर एक बड़ी ही मासूम मखलूक होती है जो कि इसी प्लेनेट पर पाई जाती है। इसी तरह के एक शौहर को उसकी बेगम ने 50-50 के दो नोट दिए और कहा 50 रुपए की प्याज लाओ और दूसरे 50 के आलू। अब थोड़ी देर बाद शौहर बेचारा घबराया हुआ घर वापस लौटा और उसने बेगम से बड़ी मासूमाना अंदाज में पूछा, दोनों नोट दिखा के, बेगम कौन से वाले की प्याज लानी थी, कौन से वाले के आलू, कितने मासूम। ऐसे ही लोगों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं और टीचर उनसे पूछे कि बेटा बताओ तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं, तो बच्चे को तारीखी जवाब, अब्बू वही करते हैं जो अम्मी करते हैं। नादरीन, शोहर और बीवी का रिश्ता भी बड़ा ही अजीब सा होता है, कभी इतनी मोहब्बत इतना प्यार और कभी नोक झोंक तकरार चलती रहती है। यही हमारा एक इस रिश्ते का हुस्न भी है और इस रिश्ते की खूबसूरती भी यही है। इसी तरह से इस रिश्ते में मुंसलिक दो लोग जिनके नाम मरियम नवाज और कैप्टन सफदर हैं, एक मरतबा कैप्टन सफदर से मरियम नवाज बोली, आपको मेरी खूबसूरती ज़्यादा पसंद है या मेरी अक्लमंदी। जिस पर कैप्टन सफदर ने कहका लगाकर कहा, भाई बेगम मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत बड़ी पसंद है। अकलमंदी और कुछ भाई वाह, अरे यार कमाल, कैसे कर लेती हो तुम भाई, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि शादियों पर मिलने वाली सलामी के लिफाफे और बेगम की मुंह दिखाई का 30% टैक्स देना होगा। मुल्क में अब यह हाल है कि कुर्बानी के जानवरों पर कोई पूछे ना पूछे शब्बर जरूर पूछेगा कि टैक्स कितना दिया, और साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि कहां से आए हैं ये बकरे, क्या कह रहे हैं ये बछड़े, किसने दिए हैं ये बकरे। सर बकरों से ही पूछ लेंगे ना, फिर बछड़ों और बकरों से ही पूछ लेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। फिलहाल इस पर तो ये कहने का जी चाहता है कि शोले के गब्बर और अपने शब्बर में सिर्फ यही फर्क है कि गब्बर बेचारा पढ़ लिख ना सका। बल्कि मैंने तो यहां तक सुना है कि निहाल आशमी के घर जब छापा मारा गया तो इन्होंने उनसे पूछा, अब तेरा क्या होगा कल, शब्बर नहीं, नहीं। और नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों में इमरान खान साहब की नेकी की वजह से लाहौर में बहुत सारी बारिशें हुई और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कीचड़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बुरे कामों और करप्शन की वजह से हुआ है। ये कौन सी मंतक है, ये पीटीआई की मंतक है। ये एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पहले एक मंतकों का अपना एक रिसाला जारी करेंगे जिसमें सारी मंतकें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल आपको बताएं कि लाहौर की टूटी फूटी सड़कें, भरे हुए नाले और खुले हुए गटर ऐसा माहौल पेश कर रहे हैं कि लाहौर का मौसम आजकल ऐसा है जो घर पहुंचा वही सिकंदर, जो ना पहुंचा वो गटर के अंदर। जरा तो आपकी हुकूमत है, कुछ कर लें, कुछ तो कर लें। अरे हाँ, कर तो रहे हैं, वो उबर की सर्विस निकाली है ना आपने, आपके वसीम अकरम प्लस AKA उस्मान बुज़दार साहब, वो जो गए हुए थे गाड़ी चले गए, गड्डी मेरी बह जाओ सुनिए निदूल तैनू लेके चलिए निबूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर। नहीं ऐसा वो कहते नहीं है, ऐसे फील हो रहा था। और नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में बहुत सी ऐसी मुश्तरका चीज़ें थीं जो कि 92 के वर्ल्ड कप जैसी हूबहू दिखी। इनमें एक बहुत ही अहम नुक्ता शामिल है जिसे किसी ने भी एड्रेस करने की कोशिश नहीं, हाँ? और वो ये है कि जब पाकिस्तान की टीम वापस आई है वर्ल्ड कप से आउट होके, तो PIA में वही एयरोस्टेस मौजूद थी जो कि 92 के वर्ल्ड कप में थी। बिल्कुल वही बंदी, उसी बंदी ने बताया कि जी मैंने कितने खुशी खुशी वेलकम किया था, इमरान खान साहब वर्ल्ड कप लेकर आए थे, जिस पर पता नहीं क्यों बाबर आजम ने जो है वो एयरोस्टेस को घूस, 92 का वर्ल्ड कप यहाँ भी उसी की वजह से तो भुगत रहे हम सारी चीजें। ऐसा श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है। और नाज़रीन, नैब का कहना यह है कि हमने
तमाम तर मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुमकिना तौर पर कोशिश ये की है कि हम घरेलू टोटके इस्तेमाल करें। जी हाँ, ये घरेलू टोटके जो होते हैं ये बड़े कारामद होते हैं और इनसे मसाइल के हल भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब जो ये एमनिस्टी स्कीम मुतारफ कराई गई है, ये दर हकीकत बीवियों का वो पैंतरा है जो वो अपने मियाँ से कहती हैं कि अगर तुम मुझे अपने सारे पुराने कॉलेज के ज़माने के किस्से कहानियाँ बता दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। लेकिन ऐसा होता है, इसलिए होशियार रहिए। और नाज़रीन, आजकल लगता नहीं दिल आजकल, उसकी वजह यह है कि मोबाइल फ़ोन इस तरीके से हमारे ज़हनो गुमान पर हावी हो गया है कि नींद से जब भी आँख खुलती है तो आप सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, चेक करते हैं क्या नोटिफिकेशन है, अपडेट क्या चल रही है। ये सब कुछ करने के बाद कोई 15 मिनट लगाने के बाद आप फिर दोबारा सोते हैं। ये आलम हो गया है मोबाइल फ़ोन का। अब एक शख्स शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा के ऑफिस गया तो ऑफिसर ने पूछा, भाई शनाख्ती अलामत क्या लिखूं? तो शख्स ने कहा, सीधे हाथ में मोबाइल फोन, कभी नहीं छूटता, यानी टेंशन ही ना ले, लिख डाल, ये तेरे भाई की निशानी है। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, कभी कभी आपका अरस्तू बनना आपको महंगा भी पड़ जाता है। जी हाँ, इतनी बड़ी बड़ी मिसालें जो है वो देने की जरूरत नहीं होती कि आप कोई बड़े अजीमो शान फिलोसोफर बन के सामने आए। अब एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से बैठी हुई डेट के ऊपर आई हुई है, भाई बीबी तू डेट की बातें कर, तू पूछ भाई क्या सीन है आगे, मतलब क्या शादी की बात करें, कुछ ऐसा हो जाए तो ऐसे कुछ सिस्टम करो। वो कह रही है, मैंने पल में लोगों को बदलते देखा है। आगे से बॉयफ्रेंड भी भाई उसी का था, कहता है, जानू मैंने ब्यूटी पार्लर में लोगों को बदलते देखा है। तो इतना फिलोसोफर नहीं बनते ना, डी टू फिलोसोफर। और नाज़रीन, लोग कहते हैं कि एज डजंट मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर। ऐसा नहीं है जानी, एज डज मैटर, क्योंकि लेट शादी करने का एक नुकसान ये भी है। शट अप मिट्टू, मैं बात कर रहा हूँ, शट अप, तेरी सोच मुझे पता है कितनी गंदी है, शट अप, लेट मी कम। जी, लेट शादी करने का एक नुकसान ये भी है कि जब बच्चों को डांटने का वक्त आता है तो डॉक्टर आपसे कहता है, इस उम्र में ऊंची आवाज नहीं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि नैब इस वक्त सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ महाज पर निकली हुई है और हुकूमती नुमाइंदों को वो नहीं पकड़ रही, जबकि परवेज खटक साहब को मुमकिन तौर पर सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो सलाखों के बीच से टेढ़े होके निकल सकते हैं। बंदा सो स्किनी, रिस्क नहीं ले सकते। और आप देखें कि हुकूमती काबीना में कैसे कैसे जवाहर मौजूद हैं, जैसे वसीम अकरम प्लस ए के उस्मान बुजदार साहब से एक नुमाइश चल रही थी तस्वीरों की, उसमें एक खूबसूरत सी खातून आकर कहती हैं, ऑटोग्राफ प्लीज। तो उस्मान बुजदार साहब की मासूमियत देखिए, वो कहते हैं, हाँ जी दे दें, इतना मासूम बंदा है यार अगला, आप चेक तो करें। और नाज़रीन, FBR ने मरियम नवाज पर 12,57,000 का टैक्स आयद कर दिया, जिस पर मरियम नवाज ने कहा है, जी मेरे अब्बू ने टैक्स नहीं दिया, मेरे चाचा ने टैक्स नहीं दिया, मेरे बड़े भाई ने टैक्स नहीं दिया, मेरे छोटे भाई ने टैक्स नहीं दिया, मेरे चाचा के बेटे ने टैक्स नहीं दिया, तो आप बताएं आपकी बहन ये टैक्स देकर खानदानी रिवायत कैसे तोड़ दे। बीबी जी, हर जगह जलसा नहीं चल रहा होता, आप ट्वीट पे भी इसका रिप्लाई कर सकती थी। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, खवातीन अपने बेटे, उनकी मंतक अलग है, माओ की मावा ठंडियां छावा, हमारी जो देसी माएं हैं उनका मंतक ये अजीब सा है, वो अपने बेटे के लिए तो बिल्कुल ममनून हुसैन टाइप की बहू तलाश करती हैं और अपनी बेटियों से कहती हैं कि ससुराल में राणा सनाउल्ला बन के रहना। और नाज़रीन, शायर कहता है, जब कोई टैक्स नया लगाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई तब्दीली लाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कराची में ना आएगा पानी और बंदा सिर्फ ईद पर नहाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, 100 की सिर्फ 2 ही बूंदे आएंगी अब कोई जब पेट्रोल डलवाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, सुनते थे बस घर में एक कमाता है अब वो भी नहीं कमाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा,
ठेले वाला अब 50 में सिर्फ तस्वीरें ही फ्रूट की दिखाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई टैक्स नया लगाएगा, तुमको एक शख्स याद। नाजरीन एक वीडियो शामिल करेंगे अपने सेगमेंट फिसल गया होगा में, प्लीज हैव अ लुक। इंशाल्लाह इस मुल्क को वो पाकिस्तान बनाएंगे। वो पाकिस्तान बनेगा कि बाहर से, इंशाल्लाह बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। नाजरीन ये वीडियो देखने के बाद तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि घर में अगर खाने को ना हो और कोई पूछे तो कहना खान आए। हॉस्पिटल जाना पड़े और जेब में पैसे ना हो और कोई पूछे तो कहना खान आया। मुल्क से बाहर जाओ और आपके मुल्क की मईशत को लेकर के कोई सवाल करे और पूछे तो कहना खान आया। तेल निकालने की कोशिश और दावे तो किए जाएं पर जब तेल ना निकले और कोई पूछे तो कहना खान आया। 92 के वर्ल्ड कप की मिसालें दी जाए, सिमिलैरिटीज बताई जाएं और सेमीज तक में जब आप ना जा सकें और कोई पूछे तो कहना खान आया। नाजरी इससे पहले के खान यहां आ जाए हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिट्टू कट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।